नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, कल 8 जुलाई को हमने एक वीडियो पोस्ट की थी और वीडियो बलविंदर को लेकर थी, जो ध्यानपुर के रहने वाले थे, और हमने उनके घर वालों से भी बात की थी, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान समर सिंह से भी बात की थी। उस वीडियो को लेकर अब एक नया मोड़ कहिए, या फिर आप कहिए एक नया पक्ष, जो जिसे दूसरा पक्ष था, अब वो सामने आया है, जिसकी हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। दरअसल, हमसे वीडियो देखने के बाद खुद बलविंदर सिंह ने संपर्क किया हमसे। सबसे पहले तो आप ये बलविंदर की क्लिप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं अपनी वाइफ किरण कौर के साथ रहना चाहता हूँ। इसमें किसी का कोई जोर दबाव नहीं है और मैं अपनी खुशी से रहना चाहता हूँ। और प्रेम कौर जो मेरी माँ है, वो इल्ज़ाम लगा रही किरण पे, सब झूठे हैं। और जो प्रधान भी लगा रहा है, वो भी झूठे हैं। हरियाणा पुलिस ओनली मुझे और किरण को पूछताछ के लिए लेके गई थी। पूछताछ होने के बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया और उन्होंने ग्राम प्रधान ध्यानपुर के समर से बात करके सपुर्दगी किया था। अब प्रधान मुकर रहा है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी खुशी से रह रहा हूँ और जो कुछ भी है, ये टॉर्चर कर रहे हैं खाली मुझे। मैं इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करूँगा। मैं थाना पर एप्लीकेशन भी दे के आऊँगा एक के नाम पे। और प्रधान बिना मतलब के किरण को फिर इल्ज़ाम लगा रहा है मेरी वाइफ पे। वो उसके पास क्या सबूत है कि ये लड़कियाँ बेचती है? और मेरी वाइफ प्रेगनेंट भी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और वर्तमान में मैं इसके साथ हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी राजी से और खुशी से हूँ। मुझ पर किसी का कोई जोर दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। और जो बलबीर पे मेरे घर वालों ने, जानी कि प्रेम को, मेरी माता जी ने इल्ज़ाम लगा रखे हैं, वो सब झूठे हैं। वो कोई 2 नंबर पे काम नहीं करते और उन्होंने किरण कौर को बेदखल कर रखा है घर से, और उनका कोई वास्ता नहीं है किरण कौर के साथ। और बलबीर लोग अपनी अपनी अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। कल मेरी चाची से बात हुई थी फ़ोन पे। मेरी चाची ने मेरी वाइफ किरण कौर को फ़ोन पे गाली देने लगी और मेरी बहन भी गाली देने लगी। और उसके बाद जब मैं आया था किरण कौर के पास, तो मैंने अपने घर वालों से बात की थी, जो कि शेर सिंह मेरा जीजा, उससे बात की। उसके बाद मेरी बहन से बात की और मम्मी से बात की, जो प्रेम कौर। और जीजा ने बोला कि मर भी जाए तभी भी नहीं आएगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मुझे बेदखल कर दो। फिर मेरे जीजा ने कहा चलो हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। अब क्यों ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं हमें? मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। और इन्होंने पुलिस वालों की सहायता लेने छोड़ दी, क्योंकि पुलिस वालों को मैंने सीधा बोल दिया कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। अब ये मीडिया का सहारा ले रहे। मीडिया वालों से भी ये मेरे अनुरोध है, संदेश है कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ और मैं अपने घर कभी नहीं आऊँगा, ना मुझे घर से कुछ चाहिए, जो भी है उन्हीं का है। और मैं अपनी वाइफ के साथ वर्तमान में हूँ और उसका इसमें किसी का कोई जोर दबाव नहीं है। मैं अपनी खुशी से हूँ और अपनी राजी खुशी से। जो हरियाणा पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो सब झूठा है। हरियाणा पुलिस हमें ओनली पूछताछ के लिए ले गई थी, उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। उसके बाद प्रधान से जो बात हुई थी, प्रधान ने कोई सपोर्ट किया पुलिस वालों ने हमें, और प्रधान फिर मुकर गया, बोला मेरे से तो बात ही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हरियाणा पुलिस वालों के ऊपर केस किया। उसके बाद हरियाणा पुलिस वालों ने कॉल की मुझे और बोले कि बलविंदर जी ऐसे हो रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, केस आपके ऊपर किया। मैं वहाँ पर रिपोर्ट दे रुद्रपुर से बनवाई, एफिडेविट, और एक नानगढ़ थाना में भेजा और एक कप्तान साहब के पास भेजा कि हरियाणा पुलिस वालों को इसमें कोई गलती नहीं, मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। अब पुलिस वाले उनकी कुछ भी सहायता नहीं करना चाहते, क्योंकि पुलिस वालों को सब पता है कि वो लड़का अपनी मर्जी से अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है और मैं नाबालिग नहीं, बालिग हूँ। आपने सुन लिया होगा कि बलविंदर एक तरह से अपनी मर्जी से किरण कौर के साथ रह रहे हैं, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि घर वाले झूठ बोल रहे हैं और मेरा घर वालों से अब कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मैं किरण कौर के साथ रह रहा हूँ, ये तमाम बातें आपने सुनी होगी। बलविंदर राजी खुशी किरण कौर के साथ रह रहा है और उसने कई सारी चीज़ें हमें भेजी हैं। आप देखिए, उसने जो है अपनी रिपोर्ट भी भेजी है अपनी वाइफ की, जो कि प्रेग्नेंट है, तो ये तमाम सारे सबूत उन्होंने हमें भेजे हैं, और जिनसे ये जाहिर हो रहा है कि एक तरह से बलविंदर किरण कौर के साथ राजी खुशी से रह रहा है। तो मामला ये है कि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, उसे अपलोड किया था 8 जुलाई को, उसमें प्रेम कौर, जो कि बलविंदर की माँ हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। तो उस वीडियो को हमने डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसमें केवल और केवल एक पक्ष था। अब दूसरा पक्ष जो हम सुनाने जा रहे हैं आपको, ये आप सुनिए।
दूसरा ये भी कि बलविंदर के घर वाले जो कह रहे थे कि हमारी बात नहीं हुई है कि हमारा बेटा कहाँ है करके, तो बलविंदर ने हमें वो वॉइस जो है सुनवाई है, वॉइस क्लिप भेजी है, जिनसे ये पता चल रहा है कि बलविंदर अपने पापा अपनी बहन से बात कर रहे हैं। ज़रा ये भी सुनिए आप। हेलो हेलो, हेलो। हाँ हाँ कौन? अमरजीत हाँ वीर आदा, क्यों मम्मी ना हो तो मैं घरे नहीं हूँ, क्यों मैं नहीं हूँ, बोलता क्यों क्यों मैं बोलूँ, क्यों मैंने बेदखल कर दी, कर दी बेदखल, मतलब मैं घरे नहीं हूँ। मैं घरे नहीं हूँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ मम्मी मैं घरे नहीं हूँ, कौन मेरा पुत्र हो, मैं नहीं तो मैंने बेदखल कर दो, मैंने पुलिस ने मारे बड़े तानू, मैं अंदर तुझे पैसे कौन देते, कोई गल नहीं मैं मंगता ही नहीं। हाँ हेलो हेलो। हाँ मिंदर, मैं घरे नहीं तो मैंने बेदखल करा दो, ठीक है? मैं तो कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं आता, मैंने वो चाहिए चाहिए। गल सुन मेरी, हाँ दस। सानू असि बेदखली ना करनी ना कीती, ठीक है ना? मैं किसी गल जाग को नहीं आता ठीक है। मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं घरों नहीं हूं, बेदे गल कर तू खत्म, क्यों नहीं हूं तेन की परेशानी करूंगा बस यार। मतलब सारा समान बेच दे, स्कूटियां सब चीज 10% ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਦੀ ਮੋਸਟ ਲਗੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ ਮਾਰਿਆ ਜਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ठीक है? हरियाणा हरियाणा में फोन करके परेशान करते हैं, हरियाणा में गल कर ली मैं, वहां से कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, जो मर्जी कार तू यार तेरे खाड़े छड़या, बस ठीक है, जो मर्जी कार आ रही तेरे नहीं ऐसी कुछ आंदे, ठीक है? चल सानू बोल गया सी, तेनू बोल गया, चल ठीक है, मैं घरे नहीं हूं ना, किसी ने फोन कर दा ना किसी ने कुछ आंदा, मैं कुछ नहीं, मर्जी कार तेनू असी नहीं परेशान कर, तू आ जी फिर राजी रह, बस चल ठीक है, ठीक रहा से? हां ठीक है, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰੇ ਜੀਵੇ ਤੇ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਆਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अब सवाल ये भी आता है कि पिछली वीडियो में जो ग्राम प्रधान समर सिंह है उनको भी जिस तरह से आपने देखा कि बलविंदर जो है ये कह रहे हैं कि खुद ग्राम प्रधान जो है इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं, तो ये सारे तमाम स्पष्टीकरण जो है एक तरह से स्पष्टीकरण कही है, या फिर बलविंदर का ये पक्ष है कि मैं अपने ठीक है होशो हवास में सारी चीज़ें वो बता रहे हैं जिस वीडियो में, वो आपने देख ही लिया होगा। और दूसरा ये कि एक और वीडियो है बलविंदर का हमारे पास जिसमें वो नानंगवता थाने में ये खुद कबूल कर रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और ये मैं जो किरण कौर के साथ रह रहा हूँ राजी खुशी से रह रहा हूँ। क्या नाम है? बलविंदर सिंह। पिताजी का नाम? गुलजार सिंह। कहाँ रहता है? ध्यानपुर। क्या मामला है? सर कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं है? नहीं। तने कहीं कोर्ट मैरिज कर रही है, कुछ कर रखा, कोई मामला ही नहीं है? कोर्ट मैरिज कर रखी है। किसके साथ? किरण कौर के साथ। किरण कौर कहाँ की रहने वाली है? कतुलिया की। तो कोई ऐसा तो नहीं कि तेरा कोई किडनैप कर ला जाओ, कोई बात हुई हो ऐसी? नहीं सर। अपनी मर्जी से आया? कितनी उम्र है तेरी? 21 साल। 21 साल। कुछ काम धाम करता है? नहीं सर, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक, बताओ भाई तुम्हारा, तुम ही हो, क्या नाम तुम्हारा? किरण कौर सर। हाँ पिता, नाम बताओ, मायका कहाँ है? गुरमेल सिंह। गुरमेल सिंह। पिताजी जी कहाँ रहते हैं? क्या मामला है? कोई मामला नहीं सर, हम लोगों ने जुलाई से पहले अगस्त में शादी कर रखी थी। कहाँ? कोर्ट मैरिज कर रखी है हमने खटीमा से। हाँ पहले 1 महीना हम इकट्ठे रहे, फिर ये घर चले गए, फिर अब तब से हम इकट्ठे ही हैं, आते हैं अच्छा। चले जाते हैं, आते हैं चले कोर्ट जाते मैरिज के कागज आगज हैं सब? हाँ जी सब कुछ है। कहीं गुरुद्वारे में भी करी शादी? गुरुद्वारे में नहीं करी, बस खाली कोर्ट मैरिज करी। गवाह कौन कौन है उसमें? गवाह हैं सर, उनके नाम लिखे हुए हैं अच्छा, जो भी बाकी का इनसे पूछो। हाँ तो तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं?
मतलब कहीं पहले शादी वादी डिवोर्स हो? हाँ, डिवोर्स हो गया सर मेरा। पति का क्या नाम था पुराने? वहाँ से डिवोर्स हो गया, उन्होंने इन्होंने खुद कहा था तो उन्होंने फिर दे दिया, उन्होंने कहा ठीक। क्या नाम है उसका जिसने डिवोर्स दिया? सतीश सिंह। सतीश सिंह कहाँ का रहने वाला है? वो गजरौला के। अच्छा ठीक है भाई। सवाल ये है कि बलविंदर पूरी तरह से बालिग है और उसे हक है कि वो अपने स्वच्छंद तरीके से किसके साथ रहे किसके साथ नहीं रहे, भले ही उसके परिवार वालों के साथ नहीं बन रही है, लेकिन उसका पक्ष हमने दिखाया है आपको। अब ये एक और ये आता है कि हमने वो वीडियो डिलीट क्यों की इससे पहले वाली, ये हमने अभी बताया था आपको कि एक तरह से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, तो इस वजह से हमने ये सोचा कि किसी तरह से उस वीडियो का इस्तेमाल किसी की छवि, खासकर पुलिस प्रशासन की छवि या पुलिस वाले की छवि ना ख़राब हो, इस वजह से हमने वो वीडियो डिलीट कर दी है। और रही बात एक और कि हमने उस समय पक्ष नहीं दिखाया, लेकिन अब हम आपको दूसरा पक्ष जो दिखा रहे हैं ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और जो उस समय हमने नहीं पक्ष दिखाया उसके लिए हम खेद भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अब जो मोड़ आया है इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे प्रकरण में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक तरह से एक परिवार का मामला है जिसमें बलविंदर जो है अपने परिवार से नाखुश है और शायद वो अपने जो पत्नी है किरण कौर उनके साथ रहने में ज़्यादा खुशी है। आप देख रहे थे आर न्यूज़।